assalamu alaikum, this is Rubina Malik. I just hope that you all are doing great. So guys, right now आप देख रहे हैं यहाँ पर दूध, ये है जी वो वाला दूध जब कोई भी जानवर बच्चा देता है तो उसके बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है उसकी बनती है हमारी सराइकी में, उसको कहते हैं बोली। वो बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड कब से लेके आए हुए थे और फ्रिज में पड़ा था, तो मैंने सोचा कि आज इसको बना दूँ। तो इसको बनाने की जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि इसको लगातार इसमें चमचा चलाते हुए इसको पकाना है और इसमें ऐड करना है शुगर एंड दैट्स इट, देन यू आर गुड टू गो। इसके थिक होने तक पकाना है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसका जितना मिल्क है मुझे लगता है कि 3 to 4 टेबल स्पून वुड बी मोर देन इनफ। एक और डाल देते हैं हम, देयर यू गो। और फिर इसको हमने थिक होने तक पकाना है। वैसे मैंने देखी हुई है, मुझे अच्छी बिल्कुल नहीं लगती, बचपन में अम्मी बनाती होती थी, मैं बिल्कुल नहीं खाती होती थी। और लेकिन ये मुझे पता है कि जब ये पक जाएगी तो हाउ इट शुड लुक लाइक, तो इसलिए हम बना रहे हैं। चीनी में शायद पत्ती आ गई है, लेट मी चेक। इसमें जी लगातार आपको चमचा चलाते हुए पकाना है और फ्लेम आप थोड़ा सा मीडियम हाई रखिए ताकि ये जल्दी से जो है थिक हो जाए, एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर इसको ठंडा करके खाएं, गरम खाएं, आपकी मर्ज़ी, आपकी अपनी बोली है, आप जैसे मर्ज़ी इसको खाएं। मेरे हस्बैंड को वैसे भी स्वीट डिशेस जो हैं वो ज़्यादा पसंद आती हैं, तो हमारे फ्रिज में हर टाइम 2 से 3 स्वीट डिशेस जो हैं वो हमेशा से रहती हैं, क्योंकि उनको पसंद है तो मैं उनके लिए बनाती रहती हूँ। अब हम कर रहे हैं जी वेट कि ये कब थिक हो जाए। इसमें जी लगातार आपको चमचा चलाते हुए पकाना है और फ्लेम आप थोड़ा सा मीडियम हाई रखिए ताकि ये जल्दी से जो है थिक हो जाए, एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर इसको ठंडा करके खाएं, गरम खाएं, आपकी मर्ज़ी, आपकी अपनी बोली है, आप जैसे मर्ज़ी इसको खाएं। मेरे हस्बैंड को वैसे भी स्वीट डिशेस जो हैं वो ज़्यादा पसंद आती हैं। देखिए जी ये देखिए जी, अब ये ऑलमोस्ट थिक होना शुरू हो चुकी है जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि इसमें ग्रेन्यूल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए जी ऐसे, ये कुछ ऐसी दिखेगी। थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आपने कॉन्टीन्यूसली इसमें जो है चम्मच चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से बने। अब मुझे ये तो याद है कि ये थिक थिक होती है, कितनी थिक होती है इसका आइडिया नहीं है, तो हम मैं भी आपकी तरह वेट कर रही हूँ कि ये थिक हो तो पता चले कि कहाँ पे इसको स्टॉप करना है। जी जी, जहाँ से हम दूध लाते हैं उन्होंने शायद हमें ला के दिया है। ये थी बॉटल जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, 7 अप की, 2.25 लीटर की बॉटल थी, तो वो पहले हमने फ्रीज़र में रखी, वो फ्रीज़ हो गई। फिर उसको डीप फ्रीज मैंने करने के लिए काफ़ी देर से बाहर रखी हुई, लेकिन इतना ही दूध उसमें से निकल सका है, तो मैंने सोचा चलो जी पहले इसकी बना लेते हैं, फिर बाकी की हम बाद में दोबारा से बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से आया पड़ा था दूध। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट डन। जब ये इतनी पक जाए तो आप इसको ठंडा करें और फिर खाएं, फिर इंजॉय करें। और हम अभी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये है हमारी फ्रूट चाट जो कि देखने में बहुत मैसी लग रही है। ये बनाई है हमारी मियाओं ने। चलिए जी, तो अब इसको टेस्ट करके हम देख लेते हैं कि ये कैसी बनी है। यम, बहुत मज़े दिए। इसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, सिर्फ और सिर्फ दूध है। इसमें शुगर ऐड की है और जैसे कंडेंस मिल्क होता है उसका, मुझे तो कंडेंस मिल्क पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं उससे रिलेट कर रही हूँ उसको।
जैसे कि नेंस मिल्क का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, उसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी होती है, सेम ये भी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। हेलो मानो। Okay guys, that's all for today. Till the next vlog, Allah Hafiz, and don't forget to subscribe to my channel.